मैंने आपसे कुछ क्वेश्चन पूछा था, अगर आपको ध्यान हो तो। क्या ध्यान है तुम्हें? अग्निदेव। अग्निदेव से पहले तो मैंने गुरु शिष्य से पूछे थे आपसे, तो अपन ने ये देखा था ऋग्वेद का प्रत्येक मंत्र अग्नि देवता की उपासना से शुरू होता है। हालांकि ऋग्वेदिक काल का प्रमुख देवता इंद्र माना गया है। कौन माना गया? इंद्र माना गया, ठीक है। मैं यहाँ अग्निदेव के ऊपर क्वेश्चन किया था, क्या अग्निदेव है? देव जो रहते हैं वो आप जानते हैं, हमने भगवान के तुल्य रखते हैं, मतलब उनमें सब कुछ उनमें सर्वश्रेष्ठ है, इस कारण से वो देव है, हाँ या ना? फिर भी मैंने आपसे पूछा था ऐसे कैसे देव जहां आग लगाओ वहां लग जाती है ना, वो ये देखते हैं कि अच्छा है कि बुरा है, गलत काम में भी आग लग जाती है कि नहीं, किसी को जला रहे हैं तो जल रहा है तो भगवान कहां चले जाते हैं, नहीं लगना चाहिए, बंद हो जाओ करके, हाँ या ना? तो फिर अग्निदेव को देव क्यों माने, हम क्यों पूछें? हम देव का ये प्रार्थना करते हैं कि भगवान गलत का साधना देना, और ये तो साक्षात देव है जो दिखते हैं भाई, और भगवान तो दिखते नहीं है, लेकिन अग्निदेव तो सामने दिख रहे हैं कि नहीं दिख रहे? तो इन्हें तो कम से कम कोई कि घर में आग लगा रहे हो, किसी व्यक्ति में कोई आग लगा रहा हो, किसी घर में कोई आग लगा रहा हो, तो यहाँ पे तो अग्निदेव को उत्पन्न ही नहीं होना चाहिए, और अगर उत्पन्न हो रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि इनकी बुद्धि, हम इन्हें देव क्यों माने भाई? हम ठंडों में आग जला के ताप रहे हो, बढ़िया है, अग्निदेव है तो हम जिंदा है, ये धरती पे अग्नि है तो जिंदा है व्यक्ति, ठीक है ना? नहीं तो आप जानते इस धरती पे जब हम पूरा पाषाण काल पढ़ते हैं इतिहास में, तो आग नहीं थी उस समय, लोग आग कच्चा मांस खा रहे थे, क्या सभ्यता का विकास होता, कुछ नहीं था, हाँ या ना? तो वहां तक अच्छा है कि इस सभ्यता का विकास किया, लेकिन आग क्या हुआ? अब जिस मर्जी में जो जहां आग लग रही है, लग रही है आग, तो कम से कम गलत जगह पे आग लग रही हो, हाँ आग नहीं लगनी चाहिए थी, अग्निदेव को समझना चाहिए था ये तो गलत काम हो रहा है, या नहीं लगना चाहिए, फिर भी लग रही कि नहीं लग रही? बात समझ में आ रही? जो मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, मैं क्वेश्चन जो पूछ रहा हूँ वो समझ में आ रहा है आपको? मैं ये पूछ रहा हूँ कि जैसे आपके घर में चूल्हा है, गैस है, वहां आग है तो खाना बन रहा है, यहां तक तो अग्निदेव की अब महिमा समझ रहे हैं कि अगर ये ना होते तो खाना ना बनता, लेकिन मान लो कोई कोई के घर में आग लगा देता है, तो यहाँ तो आग नहीं लगनी चाहिए थी ना, फिर भी लग रही है कि नहीं? तो हम ये मानते हैं अग्नि देवता, अगर ये देवता है तो इन्हें समझना चाहिए था ना ये गलत काम हो रहा है या ना लगे, तो इन समय इनकी बुद्धि कहां चली जाती? तो आप सबको मैंने आंसर ढूंढने के लिए दिया था, मिला नहीं? तो सुने, पहले अग्निदेव ऐसे ही थे, जहां जरूरत होती थी ना वहीं जाते थे, जहां जरूरत नहीं है या जंगलत हो रहा है नहीं जाते थे। पर एक बार क्या हुआ वो सुने हैं अब। एक ऋषि का नाम सुना होगा भृगु ऋषि आपने, कौन कौन ने सुना है? सुना ही होगा भृगु ऋषि, कौन से ऋषि? भृगु ऋषि जो थे वो अपने आश्रम में रहते थे, एक जंगल में रहते थे, पहले आपने गुरुकुल देखे होंगे जंगल में ही होते थे, ऋषि मुनि जंगल में इसलिए रहना पसंद करते थे कि वो एकांत होता था वहां, तो अपने इष्ट देव की तपस्या आराम से करते थे बिना डिस्टर्बेंस के, बढ़िया अपना एक बनाते थे पूरा गुरुकुल, ठीक है ना, उसमें बाउंड्री लगाकर बढ़िया तरीके से भगवान की आराधना करते। उनकी पत्नी का नाम था पुलोमा, क्या नाम था? पुलोमा उनकी पत्नी का नाम, ठीक है ना। और भृगु ऋषि ब्रह्मा जी से उत्पन्न हुए थे, मानस पुत्र कह सकते हैं उन्हें, ठीक है ना। तो वो अपने आप में बहुत ज्यादा धरती पे रहते थे, लेकिन उनकी महिमा देवता भी मानते थे, उनके कहने पे उनकी बातों को देवता भी मानते थे, वो जो बताते थे। एक बार भृगु ऋषि जो थे समय हुई नहाने के लिए जाते हैं, तो घर पे पत्नी रह जाती है, पत्नी उनकी गर्भवती रहती है, और ये निकल जाती है नहाने के लिए सुबह, यहां करा के पूजा पाठ चालू होगी। जैसे ही ये निकलते हैं तो एक जो राक्षस था दैत्य, वो सब देख रहा था वहां बाहर खड़े होकर। जैसे ही वो गया, जैसे ही वो भृगु ऋषि गए, और राक्षस ने साधु का रूप धारण रखा और प्रवेश कर गया कहां पर? कुटिया में। अब वो क्यों आया था? वो इसलिए आया था क्योंकि वो राक्षस जो था वो जहां रहता था उस
वहां जो ऋषि की जो पत्नी थी पुलोमा, वो भी उसी गांव की थी, और जो पुलोमा थी ऋषि की पत्नी, उनके पिता ने बचपन में ही क्या बात कह दी थी उस राक्षस के पिता से कि मैं अपनी बेटी का विवाह आपके बेटे से करूंगा, छोटे बचपन में ही, समझाए ना। इसे कहते हैं बाकदान, बात के द्वारा दान दे दिया। लेकिन हुआ क्या आगे चलकर, जो पुलोमा थी उनके पिता ने अपनी बेटी की शादी भृगु ऋषि से कर दी। तो राक्षस ये देखने आया था कि जिससे मेरी शादी होने थी वो कन्या, वो स्त्री है कैसी, कौन है वो। अंदर जाता है रूप बदलकर और भिक्षा मांगता है। जो ऋषि की पत्नी थी वो गर्भवती थी पुलोमा, वो सो रही होती है, वो देखती है कि कोई ऋषि जो है, कोई संत जो है, कोई साधु जो है दान भिक्षा मांग रहा है, तो खाली हाथ तो जा नहीं सकते, तो उसे खाली हाथ लौटा दूं मैं, तो देने के लिए उठती है। तो वो कहता है मुझे भूख लग रही है, तो जो ऋषि की पत्नी रहती है वो खाना उन्हें बनाती है, क्योंकि वो तो केवल देखने आया था, खाना माना उसका कोई उद्देश्य नहीं। तब देख के चला जाता है, तो बाहर आकर जो भृगु ऋषि डेली हवन करते थे उस हवन में आग जल रही थी। उन अग्निदेव से पूछता है कौन वो राक्षस, कि आपसे मैं प्रार्थना करना चाहता हूं, और आपको मैं जो आप सत्य बोलते हैं और जिसे आप मानते हैं मैं उसकी कसम आपको देता हूं, आप इनको सत्य बोले और बोले ही चुप न रहे, मैं आपसे एक प्रश्न करना चाहता हूं, आप मेरे समाधान करें अगर आप अग्निदेव हैं तो और सत्य हैं तो। मैंने कहा कि ऐसी कैसी बात कर रहा है मूर्ख, सत्य कहना तो हमारा काम ही है, हम झूठ क्यों बोलेंगे। सोच लीजिए कि जो मैं आपसे पूछ रहा हूं उसका आंसर मुझे चाहिए, ऐसा नहीं सत्य तो आप बोलते हैं लेकिन मैंने पूछा और चुप ही रह गए, तो ना तो ये सत्य ना जो झूठ है, अगर आप चुप हो गए तो मैं आपको श्राप दे दूंगा, और झूठ बोला तो श्राप दे दूंगा मैं। उन्होंने कहा मैं चुप भी नहीं रहूंगा और झूठ भी नहीं बोलूंगा, क्यों, सत्य बोलना ही हमारा काम है। तो उन्होंने पूछा, राक्षस ने पूछा कि आप मुझे बस एक चीज का समाधान करके बताइए, प्रश्न है कि इनके पिताजी ने बचपन में ही मेरी और इनकी शादी तय कर दी थी, लेकिन ये आज पत्नी है भृगु ऋषि की, तो आप मुझे ये सत्य बताएं कि ये है पत्नी किसकी। इनके पिता ने तो बचपन में ही इनका हाथ मुझे दे दिया था, तो ये तो मेरी पत्नी हो गई वचन द्वारा, लेकिन इनके पिता ने शादी कर दी भृगु ऋषि से, तो पत्नी उनकी है, तो आप बताओ ये पत्नी है किसकी, शादी तो मेरी पहले हुई थी, बात तो मुझसे तय हो गई थी पहले। अब अग्निदेव, उन्होंने लगा कि अगर मैं इसका कुछ कहता हूं तो भृगु ऋषि का तेज इतना है कि भी मुझे खत्म ही कर देंगे, झूठ बोलता हूं तो भैया श्राप दे देगा, चुप रहता हूं तो श्राप दे देंगे, अब मैं करूं क्या। अब धर्म संकट में अब क्या होगा, सोच विचार, कहते हैं कि आखिर में कि मैं देव हूं, देवता हूं मैं, लोग मुझे मानते हैं क्योंकि मैं सत्य हूं, मेरा काम भी है सत्य बोलना, इस कारण से मैं सत्य बोलता हूं और सत्य बोलना मेरा धर्म है। वो कहते हैं कि सुन भैया, हाँ ये सही है, इस स्त्री के पिता ने बचपन में इसका हाथ तुझे दे दिया था, तो धर्म के अनुसार तेरी पत्नी हुई, लेकिन अगर देखा जाए तो कर्म के अनुसार, सात फेरे इसने ऋषि के साथ लिए हैं, तो कर्म के अनुसार जो है वो पत्नी है किसकी, भृगु ऋषि की, किसकी, भृगु ऋषि की। सत्य बोला उन्होंने, क्योंकि वो राक्षस जो था वो तो था ही राक्षस, वो तो सुनना चाहता था और उसे तो सुनना था, उसे सुन लिया लेकिन उसे रहा नहीं गया, तो उसने एक साण का रूप धारण कर लिया और कुटिया में अपना इतनी भारी शरीर को लेकर घुस गया, और जो ऋषि की जो पत्नी थी उसे अपने जो दांत निकल रहे थे उन पर बैठा लिया मारने के लिए, ले जाने लगा, वो उससे कह रही मुझे छोड़ो। और होता क्या है कि इतने में क्या हो जाता है कि वो तो चल रहा होता है तो एकदम उसका पैर फिसलता है वो सांड का, और वो गिर जाती है स्त्री भृगु ऋषि की जो पत्नी थी,
फ्लोमा उगड़ जाती है और इस पीड़ा में उन्हें बच्चा हो जाता है। बच्चे में इतना तेज रहता है कि उस तेज के कारण वो जो सांड था, जो राक्षस था, वो वही मर जाता है। तुरंत इतना तेज था उस बालक में, क्योंकि वो भृगु ऋषि का बच्चा था। इतने में भृगु ऋषि आ जाते हैं और अपनी पत्नी को देखते हैं कि वो रो रही है, बच्चा डला है, एक राक्षस है, वो जल गया है। और तुरंत वो आंखें बंद करते हैं और पूरा सीन देखते हैं कि अपनी दिव्य दृष्टि से कि क्या क्या हुआ था। तो उन्हें गुस्सा आती है अग्निदेव पर और तुरंत कमंडल में से पानी लेकर श्राप देते हैं कि अगर सत्य बोलना ही तुम्हारा काम है तो आज से मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि आज से तुम हर चीज का भक्षण करोगे, ना तुम ये देखोगे क्या है कि नहीं। अगर तुम्हारा सत्य बोलना ही काम है तो सत्य ये है कि तुम अग्नि हो तो जलाओ तुम केवल, ना ये सोचकर कि ये सही है कि ना ये सोचकर ये गलत है। सत्य है काम तो जलाओ हर चीज को, तो तटस्थ होकर तुम हर चीज का भक्षण करोगे आज से, ना आज से तुम ये देखोगे सही क्या है कि गलत क्या है। और श्राप दे देते हैं अग्निदेव को, गुस्सा आ जाता है। अग्निदेव पूरी धरती से गायब हो जाते हैं। पूरी धरती से गायब हुए तो समझ रहे हैं आप, हर चूल्हे में से आग खत्म, हर जगह से आग खत्म, पूरी धरती पे त्राईमाम मच जाती है। अब त्राईमाम मच जाती है तो अब सारे देवता परेशान, अग्निदेव तो रुष्ट हो गए। सबरे ब्रह्मा जी के पास पहुंचते हैं, अब आप ही कुछ करोगे। ब्रह्मा जी के पास पहुंचे, उन्होंने पूरा का पूरा अपना देखा कि क्या क्या हुआ था अग्निदेव दृष्टि से। देखा जब उन्होंने सारी चीजों को, उन्होंने कहा श्राप तो मिला है, श्राप तो दिया है, और श्राप तो कभी विफल होता नहीं है। बात सतयुग की है तो वहां तो हर चीज सत्य होती है, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ समाधान तो है। अग्निदेव को बुलाया जाता है, उनसे कहा जाता है देखो श्राप तो मिली है तो उसे भोगना तो पड़ेगा तुम्हें, पर तुम्हारा जो धर्म है अग्नि प्रज्वलित करना उसका तो आप करिए। इसके लिए आपको कुछ शक्तियां ऐसी देते हैं कि अब आज से देवताओं को जो भी भोग लगाएगा उसमें से एक चौथाई भोग तुमको लगेगा। हम सबसे पहले अग्नि को भोग लगाते हैं, समझ में आया कि नहीं आया। हर जगह सबसे पहले तुम्हें बुलाया जाएगा, देवताओं में भी सबसे पहले तुम्हें बुलाया जाएगा, क्योंकि तुम्हारे द्वारा उनको भोजन दिया जाएगा, तुम उनका माध्यम बनोगे। तो आज हम सबसे पहले अग्निदेव को ही लगाते हैं हवन में और उनके द्वारा देवताओं को भोग देते हैं। चाहे वो हम डेली भोग लगाते हैं तो आप जानते हैं कि जो वैश्वानर होता है उसके ऊपर लगाते हैं, अग्नि है वहां पे, हवन करते हैं तो वहां अग्नि है और अग्नि को ही भोग लगाते हैं। उनके द्वारा जो भोग लगाते हैं उसका एक चौथाई वो खुद रखते हैं, बाकी देवताओं को दे देते हैं। तो इससे वो प्रसन्न हो जाते हैं कि मेरी मान मर्यादा रहेगी और फिर धरती पर लौट के आते हैं। इस कारण से अग्निदेव को भृगु ऋषि का श्राप प्राप्त है, इसलिए हर जगह लग जाते हैं, नहीं पहले नहीं लगते थे, क्योंकि सत्य के देवता हैं तो सोच समझ कर जाते थे कहाँ जरूरी है और कहाँ नहीं है। लेकिन अब आप देखिए जहां लगाओगे आग वहीं लगती है कि नहीं लगती है। तो वे देवता हैं, जबकि नहीं लगनी थी गलत जगह पर, और लगती है ना, श्राप है वो इस चीज, समझ में आया तुम्हें। तो अब लगता है ना भी देवता तो है पर श्राप के कारण हर जगह लग जाते हैं, हर चीज का भक्षण करने के लिए रही यार। एक और आशीर्वाद दिया ब्रह्मा जी ने, आज से हम तुम्हें एक चीज आशीर्वाद और देते हैं, जो तुम जहां लगोगे वो चीज पवित्र हो जाएगी, जहां भी तुम लग गए वो चीज पवित्र हो जाएगी। आप जानते हैं हम जब मरते हैं अग्नि को समर्पित होते हैं तो हम जानते हैं वो पवित्र हो जाते हैं, पांच तत्व में विलीन हो जाते हैं। अग्नि में जो डाला वो आप जानते हैं वो पांचों तत्वों में विलीन हो जाता है, धुआं के द्वारा और आग के द्वारा। अग्नि हर चीज को क्या कर देती है, पवित्र कर देती है। ये आशीर्वाद मिला, ऐसे आशीर्वाद मिले इनसे अग्निदेव प्रसन्न हो गए। तो हैं धरती पर लेकिन हर चीज का भक्षण कर रहे हैं भृगु ऋषि के श्राप के कारण से। पल्ले पड़ा कुछ, अब समझ में आया होगा कुछ। तो आप समझिए कि भगवान अपनी जगह पे हैं, लेकिन कुछ श्राप भगवान को भी मिल जाती हैं, भगवानों के द्वारा, ऋषि मुनियों के द्वारा, उसके कारण उनकी प्रवृत्ति बदल जाती है, पर बाकी हर चीज सही है। समझ में आया कि नहीं आया। तो पिछली क्लास में तुम कह रहे थे अग्निदेव यहां से नहीं माने, अब मानोगे, समझ में आया कि नहीं आया। हाँ है ना। पर एक चीज इसमें, एक चीज का हमें ये समझ आती है कि हमें सत्य का साथ देना चाहिए, चाहे कंडीशन कुछ भी हो, बोलना हमेशा सत्य। अग्निदेव ने भी लास्ट में क्या साथ दिया, वहां भृगु ऋषि से ही हो गया, क्रोध आ गया था उन्हें, जबकि अग्निदेव ने तो जो सही था वो बोला था। इसलिए हमेशा क्या करना चाहिए, सत्य बोलना चाहिए। क्या बोलना चाहिए, सत्य बोलना चाहिए। सब चीजों जो आपका धर्म है उसे सबसे पहले रखना चाहिए,
तो अग्निदेव ने भी सबसे पहले अपना धर्म पहचाना, मेरा धर्म है सत्य बोलना, उन्होंने सत्य बोला। क्लियर हुआ कि नहीं, समझ में आई बात है ना। अब तुम्हें एक स्टोरी और सुनाते, दो स्टोरी सुनाने की बात कही थी कि नहीं, वो तू हाँ भाई तीन कही थी ना, दो स्टोरी जाइए कहीं में दो चीज के आंसर मिलेंगे आपको, सुनना आप ध्यान से आप जो सुना रहे हैं, या मैं ये मान के चलिए आपके ऊपर ही बोलने वाला हूं, ठीक है ना, बिल्कुल रियल स्टोरी सुना रहा हूं और इसका प्रमाण डेली के डेली आपको मिलेगा जो आप स्टोरी सुनाने वाला हूं, डेली प्रमाण देखेंगे, जैसे ही आप क्लास से बाहर देखेंगे वो प्रमाण मिलेगा आपको, जैसे जैसे श्याम होती जाएगी वैसा वैसा प्रमाण और आपके पास आता रहेगा, कोई नकार नहीं सकता जो मैं बता रहा हूं उस चीज। या मैं आपको गुरु और शिष्य की स्टोरी सुना रहा हूं, किसकी, अगर शिष्य में तेज है तो कोई उसका कुछ बिगाड़ ले, या अगर शिष्य कहें या किसी व्यक्ति कहें, कोई भी कुछ कहे, अगर उसमें तेज है तो उसका कोई कुछ बिगाड़ ले, अगर वो अपने तेज पर है जो उसे करना है तो उसे कोई नहीं रोक सकता है, चाहे कोई कैसे ही उसके षड्यंत्र रच ले। तो ये स्टोरी इसी बेस पर है, स्टोरी कहें या जो इनमें हम पुराण पढ़ रहे हैं उन पुराणों में से लाई गई स्टोरी है, पढ़ाए थे ना आपको यहाँ पुराण, क्यों सही यार कछु, उनमें से स्टोरी है। भृगु ऋषि जो आपको अभी सुनाए, इनके जो पुत्र हुआ उस पुत्र का नाम था कवि, क्या नाम था, कवि नाम था, समझ में आया कि नहीं आया। तो उन्होंने कहा कि आप शिक्षा ग्रहण करने के लिए जाइए, तो वो गुरुकुल में जाते हैं, जहां एक ऋषि थे अंगिरस, नाम आया अंगिरस, आया कि नहीं, इनके गुरुकुल में शिक्षा लेने के लिए जाते हैं, ठीक है ना। तो वहां जो पढ़ते हैं तो वहां और भी विद्यार्थी रहते हैं, उन विद्यार्थियों में एक कवि है और एक जो गुरु अंगिरस है उनका भी एक पुत्र है जिनका नाम है जय, क्या नाम है, जय। एक जय है, एक कवि है और बाकी और शिष्य है, ठीक है ना। अब मैंने आपको अभी हाल बताया, भृगु ऋषि बहुत ज्यादा तपोबली थे, ठीक है ना, तो उनका पुत्र में भी अपने आप तेज दिखेगा ही दिखेगा। तो क्या होता है, बढ़िया शिक्षा चल रही है, अब क्लास में ये दो इंटेलिजेंट, पर गुरु अंगिरस के मन में ये था कि मेरा बेटा इंटेलिजेंट रहे, हर चीज का आंसर सबसे पहले दिए, तो उन्होंने क्या किया कि दोनों को बुलाया, जय को और कवि को, ठीक है ना, और उनसे कहा कि आज मैं तुमसे चार प्रश्न पूछ रहा हूं, कितने, चार प्रश्न पूछना चाहता हूं, आप आंसर दें। पहला आंसर पूछते हैं वो कि जो हवा है, क्या है, इससे भी तेज कौन है। अब इसका आंसर जय दे पाता, गुरु के मन में ये था, अंगिरस के मन में कि जय आंसर दे, लेकिन इतने में तुरंत कवि बोलता है मैं दूं आंसर, उनका हाँ दो, वो कहता है मन की गति, किसकी गति, सही आंसर, अंगिरस के मन में रहता कि इसका आंसर मेरे बेटे को देना था, ठीक है ना। दूसरा प्रश्न, इस दुनिया पर काय का आवरण है, ये प्रश्न पूछते हैं कौन, कि ये जो दुनिया है ये संसार है किस आवरण से ढकी हुई है। अब अंगिरस देख रहे हैं जय की तरफ, जी आंसर दे, लेकिन कभी आंसर कहता है कि सर मैं दूं आंसर, जय सोचने में लगा है, उसे आंसर आ नहीं रहा है, आंसर दे रहा है कौन, कभी कभी इस पूछते हैं, हाँ बोलो, कि संसार जो ढका है वो अज्ञान से ढका है, कैसे ढका है, अज्ञान से, हम जितना भी खोज लेते हैं ज्ञान को हम जानते हैं हमारी संतुष्टि नहीं होती, हम ये सोचते हैं इसके आगे और भी कुछ होगा, और भी कुछ होगा, और भी कुछ होगा, कोई ने ज्ञान की अंतिम सीमा प्राप्त नहीं कर पाई है क्या, कोई नहीं, तो अज्ञान से ढका हुआ है, जितना प्राप्त करते जाओगे अज्ञान और आगे मिलता जाएगा, तो ज्ञान की सीमा कभी खत्म नहीं होती है, जितना पाओगे उतना मिलेगा आपको, ठीक है ना। जो ये मन में लाता है नहीं अपना संपूर्ण हो गया, वो वहीं खत्म हो जाता, ठीक है ना, तो क्या आंसर देते हैं, हाँ या ना। तीसरा क्वेश्चन, केबीसी चल रहा है, ठीक है ना, अंग्रेज तीसरा क्वेश्चन रखते हैं कि व्यक्ति को आलस कब आ जाता है, क्या
व्यक्ति को आलस कहा जाता है। अब तो गुरु के मन में था, अभी से थोड़ी सी जलन होने लगी थी, ये तो हर एक चीज का आंसर दे रहा, मेरा बेटा आंसर नहीं दे पा रहा है, अब इसका कहीं इसका ही आंसर दे दे मेरा बेटा। लेकिन जय ऐसे सोच रहा है तब तक कभी हेतु प्रखर के गुरु तो पूछते हैं वो, हम ये बोल क्या आंसर है। तो वो कहता है, वो कभी जो है वो कहता है कि जब व्यक्ति अपना धर्म भूल जाता है उसे आलस आने लगता है। जैसे आप क्लास में बैठे हैं, आपका काम है पढ़ना, यही आपका धर्म है, जब आप ये पढ़ना भूल जाते हैं कभी तुरंत आलस आ जाता है, और अगर आप पढ़ना न भूले तो आपको आलस कभी नहीं आ सकता है। अब अंगिदस को लग जाता है कि मेरा बेटा तो नहीं दे पा रहा आंसर, कभी दे रहा है, तो उन्हें कभी से थोड़ी सी जलन हो जाती है। तो अब वो क्या करते हैं कि मुझे मेरा बेटा तो पहले नंबर पे चाहिए, क्या करते हैं, गुरुकुल में तो पढ़ाते ही हैं सबको साथ में, लेकिन अपने बेटे जय को वो अलग से पढ़ाने लगते हैं फर्स्ट नंबर पे लाने के लिए। लेकिन तब भी उनका बेटा फर्स्ट पे आ नहीं पाता है, तो फिर उनका दिमाग चलता है क्या किया जाए। तो उन्होंने क्या कर दिया कि मेरा बेटा फर्स्ट पे तो नहीं आ सकता, लेकिन फर्स्ट वाला सेकंड पे तो आ सकता है, फर्स्ट वाला तो सेकंड पे आ सकता है, तो फर्स्ट पे है कौन कभी। तो अब वो क्या करते हैं कि जब वो पढ़ाते हैं तभी कभी को कोई ना कोई काम दे देते हैं जिससे वो क्लास अटेंड ना कर पाए, तो कभी काम में लग जाता है गुरु की आज्ञा मानकर, तो बड़ी आज्ञा से वो काम भी करता है। लेकिन कुछ दिन होते हैं 10-15 दिन, उसके बाद कभी का दिमाग चलता है, इंटेलिजेंट होता है, कि जैसी क्लास लगती है गुरु में कोई ना कोई आज्ञा दे देते हैं काम करने की, आखिर बात क्या है, मैं पढ़ाई नहीं कर पा रहा हूं। एक दिन समय मिलते ही क्लास के बाद कभी अपने गुरु से पूछता है कि क्षमा करें गुरु जी, मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूं। कहा पूछो। कि जैसी क्लास लगती है आप मुझे कोई ना कोई काम दे देते हैं, मुझसे कोई गलती हुई है। इतना कहता ही गुरु अंगिरस को क्रोध आ जाता है, क्योंकि उनके अंदर देखो जिसके अंदर चोर होता है ना, कोई गलत होता है ना, उसे तुरंत क्रोध आता है उस बात पर, भाई उन्हें क्रोध आता है कि तू अपने गुरु से ऐसे ही बातें करता है, ऐसे प्रश्न पूछता है, जा आश्रम, इस आश्रम से तेरा कोई जरूरत नहीं है यहाँ पर। गुरु आज्ञा समझ कर कभी वहां से निकल जाता है, जंगल की ओर निकल जाता है दुखी मन से, और आगे चलकर उसे एक गुरुकुल और मिलता है, तो वहां पर वो कहता है कि मैं अब यहीं रहता हूं और यहीं शिक्षा ग्रहण करूंगा, क्योंकि वो और महान गुरु का आश्रम था गौतम ऋषि का, नाम तो सुना ही होगा आपने, गौतम ऋषि के आश्रम में जाते हैं और वहां वो पढ़ाई करते हैं। तो गौतम ऋषि उन्हें सारी विद्याएं सिखाते हैं और कहते हैं आखिरी में, जब विद्या पूरी हो जाती है गौतम ऋषि की, कि मुझे ऐसा लगता है कि मेरी विद्या तो खत्म हो गई लेकिन तेरा ग्रहण करने की क्षमता खत्म नहीं हुई, तू अभी और भी पढ़ सकता है, तेरे अंदर क्षमता है कि तू और कुछ प्राप्त कर सकता है, मुझे ऐसी क्षमता दिख रही है तुझमें, तो अब मैं तुझे उन संपूर्ण ज्ञान के देवता, संपूर्ण कलाओं के देवता जो है स्वामी जो है, मैं उनके पास भेज रहा हूं, तू उनके पास जा, उनसे ज्ञान ग्रहण कर। उन्होंने कहा कि आप बताएं ऐसे कौन से गुरु हैं, कौन है सारी कलाओं के स्वामी जिनसे मुझे शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए। उन्होंने कहा भगवान शिव के पास जाओ। किसके पास? भगवान शिव। भगवान शिव की तपस्या के लिए चले जाते हैं कौन? कवि, और घोर तपस्या करते हैं ज्ञान की प्राप्ति के लिए। तपस्या करने मतलब होता है, जैसे आप लोग जो तपस्या कर रहे हो ना, ये भी एक तपस्या है, आप जो पढ़ाई कर रहे हो इसे तपस्या कहते हैं, रोज आना, फिर घर जाना, फिर पढ़ने बैठ जाना, ये डेली का यही काम चल रहा है कि नहीं, ये तपस्या कहलाती है। जो इसे तपस्या मानकर और भक्ति मानकर और धर्म मान के करता है ना, उसे ज्ञान की प्राप्ति जरूर होती है। जो इसमें बेईमानी करेगा पूजा में, उसे प्राप्ति हो जाएगी क्या? तो हम जिसे तपस्या कहते थे ना, कि उन्होंने तपस्या करी, उसका मतलब है कि उन्होंने यही काम किया, उसे नाम दे दिया क्या? तपस्या। आपकी भी तो आखिर नौकरी लग जाएगी तो क्या कहेंगे? बहुत मेहनत करी, बहुत मेहनत करता था। जे कहेंगे क्या? रोज क्लास जाते हो, फिर रोज आते हो, फिर खाना खाते हो, फिर पढ़ भी बैठ जाते हो, दिन भर पढ़ देते हो, बहुत कम सोते हो, फिर चलो जाते हो, ऐसे कोई केक होगा? क्या कहेंगे? बहुत मेहनती लड़का था, बहुत मेहनती लड़की थी, देखो कितनी अच्छी नौकरी लग गई, एक नाम ही दिया जाएगा ना। ऐसी पहले की जो काम था उसे तपस्या नाम दिया जाता था। क्या दिया जाता था? तपस्या।
समझ में आया ना। अब देखो जो जितनी भयंकर तपस्या करेगा, आप जितने भयंकर पढ़ाई करोगे उतनी बड़ी नौकरी मिलेगी। यूपीएससी को फाइट करने वाला उतनी ज्यादा पढ़ाई करता है, उससे कम वाला कम करता है, नहीं करता है क्या? यही चलता है कि नहीं? तो जिसने जितनी घोर तपस्या करी उसे उतना ही ज्यादा अच्छा मिला। हमें नौकरी मिलती है, उधर हमने नाम दिया वरदान। ये हुआ कि नहीं? भगवान वरदान देते थे, हमें भी तो सरकार नौकरी देती है, आया ना। बस टर्मिनोलॉजी बदली है, काम तो एक ही हो रहा है ना। जिन्होंने टर्मिनोलॉजी समझ ली है ना, वो समझ जाता है कि काम तो वही हो रहा है, बस कपड़े बदल गए, पढ़ाई बदल गई, बाकी धर्म तो वही चला आ रहा है। पढ़ते वे भी थे, पढ़ते हम भी हैं। वे भाई गुरुकुल में जैसे उस समय कपड़े चलते थे वे पहनते थे, हम भी कपड़े ही पहन रहे हैं। बस पहले की चीजें अलग होती थी, अलग प्रकार की नौकरियां थी, आज अलग प्रकार की नौकरियां, वो परिस्थिति के हिसाब से बदल गई, देश के हिसाब से बदल जाती है। टाई ग्रेड थर्ड की और पटवारी की भर्ती जाने कर रही, जरूरी है कि अमेरिका में कर रही हो? वो तो काल और दिशा और समय के अनुसार बदल जाती है कि नहीं? हाँ है ना। बाकी बोलने का तरीका अलग अलग हो गया, बाकी चीजें एक ही है। तपस्या करते थे वरदान मिलता था, मेहनत करते हो नौकरी मिलती है। बात तो कही, जिसने जितनी बड़ी तपस्या करी उसे उतना ही बड़ा वरदान मिला, जिसने जितनी मेहनत करी उसे उतनी बड़ी नौकरी मिली। जिसने अपनी तपस्या में सही से नहीं करी उसे वरदान मिला ही नहीं, जिसने अपनी मेहनत में बेईमानी करी भाई जॉब मिली ही नहीं। बात तो ये कही है कि नहीं? तो पूरे का पूरा मैंने कहा ना, आप पे बेस है, आप समझिए उसको। पुरानी स्टोरी मैं कह रहा हूँ ना, रियलिटी की है, और अभी इसका प्रमाण दूंगा, देखना भी आप। तो कभी जो है भगवान शिव की तपस्या करने, ठीक है ना, भगवान से प्रसन्न, वे तो बोले तुरंत प्रसन्न, बोलो क्या वरदान मांगना है। वो कहते हैं कि मुझे ऐसा वरदान चाहिए जिसका नाम है मृत संजीवनी, तो मरे हुए को जिंदा कर दूं मैं। इसका नाम है मृत संजीवनी, जो लक्ष्मण जी के खत्म होने पर उनको दी गई थी, है ना। उनने कहा, बोले हैं भी तो बिना सोचे समझे ले भैया। और यहां से उनका क्या होता है कि वो जाते हैं वरदान प्राप्त करके, मतलब उनकी जॉब लग गई। उनका काम है मरे हुए लोगों को जिंदा करना, लेकिन ये तो उनके आत्मे में किसे जिंदा करना है और किसे नहीं करना है। और वे क्या हुआ कि वे बन गए गुरु किसके, राक्षसों के। अब राक्षस तो पावरफुल हो गए, राक्षस तो पावरफुल हो गए। उनने कहा, आप कहा जिंदा अपने गुरु, उन्हें लगे देवतन में। अब देवता उन्हें, देवता जो उन्हें मारे तो वे पहुंच जाए लाश लेके कौन कभी इसके पास, भे मैं संजीवनी आती घुमाए जिंदा, चलो लगो फिर। अब देवता परेशान, तीन ही लोगों में हाहाकार मचा दिया। राक्षसों के मन में आया कि यार जो कैलाश और बचा है, अभी जीते जाए और काट छोड़े। अब बस कैलाश की ओर बढ़े, भगवान से भी क्रोध। सबरे देवता पहुंचे कि तुमने तरफ ही बढ़ के आ रहे हैं, ये आके हो रहे हैं कि तुम नहीं दाओ वरदान है ऐसो कही, कहूंगे मरता ही नहीं है, मरता ही नहीं है। अच्छा कि क्या हुआ तो बताना, पूरी स्टोरी बताई जाती है। उनने आता है क्रोध, भगवान से वहां से अंतर ध्यान होकर सीधे कवि के पास, तुमने मेरी कही जो वरदान था उसका गलत उपयोग किया है, मैं तुमसे असंतुष्ट हूं। वही कहते हैं कि मुझे मारोगे तो मेरे पास तो मेरे संजीवनी में जिंदू हो जाऊंगा। अब भगवान दिमाग लगाते हैं क्या किया जाए, तो भगवान शिव जो है अपना शरीर बढ़ाते हैं, इतना बड़ा शरीर करते हैं कि कवि को पेट में धर लेते हैं। अब लगा ले कहीं तू मेरा संजीवनी, कहीं तू जिंदा भी है और मेरे पेट में, अब कैसे राक्षस ने जिंदा करेगा, तू किसे क्या जिंदा करेगा। वो कैलाश पे आग बैठ गए। अब इतने देवतन ने राक्षसों को मारा, तीन ही लोग स्वतंत्र हो गए। कवि इंटेलिजेंट, वो पेट के अंदर बैठ के भगवान भोलेनाथ तपस्या करने लगता है। उसे कोई रास्ता नहीं मिलता कैसे, नहीं तो अंदर ही तपस्या करने लगता है, घनघोर तपस्या करता है, भगवान से प्रसन्न हो जाते हैं। भाई मेहनत कर रहा है तो प्रसन्न तो होंगे ही। बाहर निकल के उसे बाहर निकालते हैं, उनसे कहते हैं मैं तेरी तपस्या से, इतनी विपरीत परिस्थितियों में भी तूने तपस्या मेरी करी, इससे तो मैं प्रसन्न हो गया। आज से मैं तुझे वरदान देता हूं कि तेरा में इतना जो तेज है, आज दुनिया तुझे जानेगी तुझे आज से तेरे तेज को, और आज से तेरा नाम कपि नहीं, तेरा नाम होगा आज से शुक्र। तो हम शुक्र ग्रह और शुक्र तारा जो देखते हैं वो ही कपि है, ध्रुव नहीं, शुक्र तारा होता है, ध्रुव तारा अलग है। समझ में आया कि नहीं आया?
हाँ या ना, जो सुबह सबसे लास्ट तक जो तारा दिखता है आपको, शुक्र तारा, समझ में आया कि नहीं आया? हाँ, हाँ वो तेरा इस संसार में जब तक ये संसार रहेगा तब तक तेरा प्रतीक रहेगा, और ये उसे प्रसन्न होकर ये आशीर्वाद देते हैं कि तू आज से कवि के रूप में नहीं सुख के रूप में जाना जाएगा। सुख का मतलब होता है तेज, और इसी कारण से राक्षसों के गुरु कहलाते हैं शुक्राचार्य। क्या कहलाते हैं? शुक्र धन आचार्य, शुक्राचार्य। समझ में आया कि नहीं है? तो जो शुक्राचार्य है उनका तेज के रूप में जो हमें आकाश में तारा दिखता है शुक्र तारा, उस आप जानते हैं कि आप कुंडली वगैरह दिखवाते हैं तो उसमें शुक्र ग्रह भी होता है कि नहीं? शुक्र ग्रह पूछना किसी पंडित से, वो आपके तेज का प्रतीक होता है। काय का प्रतीक होता है? तेज का प्रतीक। समझ में आया ना? व्यक्ति में किसी में तेज है वो शुक्र ग्रह के कारण आता है। काय कारण आता है? शुक्र ग्रह के। इसका जांदा होना भी खतरनाक हो जाता है। तेज जांदा खतरनाक, तो उसकी तरफ तो कोई देख ही नहीं पाएगा। कांच है धूप में रख दिया जाए तो उसमें रोशनी पड़े कोई देख पाएगा क्या? तो जांदा तेज भी खतरनाक हो जाता है। हिसाब से बना रहे, कम भी ना हो, बराबर बना रहे। जो बराबर बना रहता है उसका तेज बना, तेज मतलब होता है आपका जीवन हमेशा तेजमान बना रहेगा, आपकी कृति तेज रहेगी। आज भी शुक्र का आपकी कुंडली में ये प्रभाव है तो हर जगह देखने को प्रभाव मिलता है। लेकिन है भी राक्षसन के गुरु, तो जैसे ही जाना बढ़ा तुम में राक्षस प्रवृत्ति आई जाना बढ़ने पर। समझ में आया ना? फिर तुम जिस चीज में तेज होना चाहिए ना, बस चीज से हटकर दूसरी चीजों में तेज आ जाता है, व्यक्ति उल्टे रास्ते पे आ जाता है। बच्चे पढ़ाई छोड़कर दूसरी चीजों में आ जाते हैं। जिसका कम है तो वहां तेज नहीं है तो वो तो गलत पे ही रहना, तो बराबर मात्रा होनी चाहिए। समझ में आया कि नहीं? तो आज हर जगह प्रभाव मिलता है काय का? शुक्र। समझ में आया कि नहीं आया? तो इसे एक शिक्षा मिलती है, अगर किसी में सीखने की दम है तो चाहे जैसी विपरीत परिस्थिति हो, चाहे कोई कितना ही षड्यंत्र चले, सीख कर ही रहता है, बस वो खुद पे टिका रहा है कि मुझे सीखना है, उसे सिखाने वाला मिल ही जाएगा। तो कपि थे अंगिरस रहे, वहां गुरु ने बेईमानी करी तो अगले गुरु मिले, मिले तो सही, उन्होंने ईमानदारी निभाई, उन्होंने कहा मेरे पास जितना था मैंने दे दिया, लेकिन तेरे में अभी ग्रहण करने की क्षमता है, सीधा भोले के पास पहुंचा दिया। आया ना? सीखा, प्रयोग किया, भोले पर अप्रसन्न हो गए, उनसे पेट में डालिए, तब भी अपनी परिस्थितियों अपने ज्ञान पर टके रहे। देखो वही जिन्होंने पेट में रखा था उन्होंने निकाल के बरदान दी थी। जो अपनी स्थितियों पर अपने धर्म पर बना रहता है, अपने लक्ष्य को साध कर चलता है, जिसे यह पता रहता है कि मेरा लक्ष्य क्या है, चाहे जैसी विपरीत परिस्थिति हो जाए, जो वो चाहता है वो उसे मिलकर ही रहता है। पर इन सब में एक चीज कॉमन रही, हमने अभी देखा उस व्यक्ति ने अपने पढ़ाई करते समय गलत रास्ता नहीं चुना, कि गुरु को मानने चला गया, इनने भी ईमानी काय करी तो जय को मानने चला गया, वो अपनी चीज पर टिका रहा, मेरा धर्म है पढ़ना, ध्यान नहीं तो कहीं, बस मुझे पढ़ना ही पढ़ना है, गुरु आज्ञा, मैंने कहा था गुरु आज्ञा मान के निकल गए। तो गुरु मानना ना आखिरी में भी, भले वे क्रोध देते हुए। तो ऐसी बहुत सारी शिक्षाएं सीखने को मिलती है हमसे, और सारी सारी आप देखिए सत्य है। और शाम होते ही देखना है जो पहला तारा निकल के आएगा शुक्र, लास्ट में जाएगा वो भी शुक्र। बाकी कुंडली दिखवाओ अपनी, बाकी हाथ मात नहीं दिखवा रहा, नहीं मैं यहीं दिखा देता तुम्हें शुक्र कहाँ है, तुम्हारे हाथों में रहता है, हमारे हाथ में, ठीक है ना? समझ में आया कि नहीं आया स्टोरी? पल्ले पढ़ा इनसे कुछ? जहां दो स्टोरी थी, गुरु शिष्य की भी थी, सारी प्रकार की थी, गुरु और शिष्य कैसे हो हर चीज मिलती है। दूसरा ये भी था कि अगर शिष्य, अगर कोई व्यक्ति ठान ले उसे वो मिलकर ही रहता है, पता चला कि नहीं? समझ में आया कुछ? क्लियर हुआ? मजा आया सुनने में? कुछ सीखने को मिला? भाई साहब तुम भी वही तपस्या में हो अभी। समझ में आया ना? अपने मन में जो भी उल्टे ख्याल आते हैं समझ जाना, बस तपस्या में विघ्न और बाधा आ रही है। एक चीज और सुनाते हैं कि जो विघ्न और बाधा लाने वाला जो व्यक्ति होता है उसका नाम होता है इंद्र। कौन होता है? इंद्र। इंद्र एक कुर्सी है, इंद्र एक कुर्सी है, और कुर्सी चली ना जाए इसलिए इंद्र तरह तरह के षड्यंत्र रचता है। कोई भयंकर तपस्या करने लगे, भयंकर पाठ पूजा करने लगे, इंद्र डर लग जाए जो मेरी कुर्सी प्राप्त कर आ रहा हो, कि कैसे जाकी तपस्या भंग करो। तो बाकी मन में और उल्टी सीधी बातें डालती है। तुमने देखा होगा अच्छे काम कर रहे थे पर पता चला कि अचानक से बेकार काम करने लगे, अच्छे पढ़ने वाले थे अचानक से पढ़ाई ही खत्म हो गई,
लाल वो उत्ते जान तो चढ़ जाता है भाई, पता नहीं क्या सुधी होता है। वास्तविकता बता रहा हूं मैं आपको, ये गलत नहीं कह रहा हूं मैं। आपने टीवी में देखा होगा कोई जानवर बचा तो इंद्र भगवान सबसे पहले परीक्षा लाइन पहुंच जाते। सत्ता आज ही सरकार है, आप जानते हो कांग्रेस अच्छा काम करना चालू कर दी तो मध्य प्रदेश भाजपा सरकार चिंतित हो जाएगी, वे अपनों का चूना कचू करने लगेंगे। यही चल रहा है कि नहीं चल रहा? तो जिसके पास कुर्सी है भाई डर है जावे को, चाहे जाओ बात चाहे वह ऊपर हो सभी डर है, कुर्सी नहीं जाने चाहिए। तुम्हारी नौकरी लग जाएगी कुर्सी छोड़े तैयार नहीं होगी का, तो वह कुर्सी पे कोई यहां चलाएगा हटावे तो तुम भाई हटाना दोगे, लाल तेरी जिंदगी खत्म कर देंगे। वही सत्ता का काम चल रहा है। तो जैसे ही आप सत्य पे चलते हैं और लग जाता है उसे कि भैया कुछ ज्यादा ही कर रहा है, अगर पास हो गए कोई दिक्कत नहीं है, फिर आ जाता है आप आगे निकल जाते हैं। तो जो बीच की जो कड़ी है ना, इधर से पार से बपार जावे की, वो बीच में जाती है कौन? इंद्र। नाम है पुरंदर, मिटाने वाला, मिटा के चला जाता है। वहां टिक गए तुम, आप ध्यान रखना जब जब आपकी पढ़ाई अच्छी हो रही होगी तब तभी आपको प्रलोभन भयंकर आएंगे, उस पढ़ाई से दूर जाने की। ऐसे प्रलोभन आपको लगेगा अपना लोग का दिक्कत है, पर जैसे ही अपनाते तो फिर बाद में लास्ट में पता चलता है काश जे न करते तो आज बढ़िया टिके होते और प्राप्त कर लेते। जो मंदिरों में पुजारी बैठे हैं या जो भी अच्छे काम कर रहे हैं, वे बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन कुछ समय ऐसा आता है कि वे पता नहीं कौन से रास्ते में चले जाते हो। हम देखते हैं इतनी बढ़िया पाठ पूजा करता था, इतने बढ़िया काम करता था, लेकिन आज पता नहीं क्या हो गया ऐसे। तो आप ध्यान रखिए, जब जब या तो आप बढ़ो ही मत, कोई ध्यान दे ही नहीं रहो भाई। जो बच्चा है वह कोई ध्यान देता है क्या? नहीं। लेकिन जैसे ही बढ़ना चालू किया ना, वैसे ही तुम नजर में आना चालू हो। ऊपर आप जितने जितने बढ़ोगे उतनी उतनी नजर में। बुराई सबसे ज्यादा उसी की होती है जो सबसे ज्यादा तरक्की करता है। तो ये मान के चलिए अगर आप पढ़ रहे होंगे तो नेगेटिव आपको सबसे ज्यादा दिखेगा। कारण उसका यह है क्योंकि आप बहुत ज्यादा पॉजिटिव होते जा रहे हैं भाई। आप जानते सफेद कपड़ा है ना, आप सफेद कपड़ा बनने पर रहे हैं उसे बनने, अब उसमें तो कोई ऐसे ही हाथ लगा दिया उस पर दाग दिखेगा कि नहीं? अब आप कहो कर नहीं नहीं ऐसा ना हो तो फिर सफेद बन मत बनो, कारे बनो। समझ में आया कि नहीं आया? तो अगर आप सफेद मतलब पॉजिटिव की ओर जा रहे हैं तो नेगेटिव आपको बहुत दिखेगा, नेगेटिव आपको चारों तरफ से घेरेगा। अब आपका काम है लड़ना उससे, और लड़ना नहीं उनसे लड़ने नहीं जाना, बस अपनी चीज पे टिके रहना है तुम्हें। तुम टिके रहे उसी तरफ आकर्षित नहीं हुए। एक और क्या होती है कि जितने ज्यादा पॉजिटिव होते हैं ना, प्रलोभन भी इतने भयंकर आते हैं कि आपको लगता है कि तो कोई नहीं मिल सकता, पर नहीं मिलेगा तुम्हें। वहां अपना धर्म पहचानना है कि मुझे क्या चुनना है। मेरा धर्म है क्या? पढ़ाई करना। मैं पढ़ाई चुनूं कि चीजें चुनूं? बात समझ में आ रही कि नहीं?